कहता है कि अगर जो पार्टी में आज पार्टी में रहकर और पार्टी के विरुद्ध नेताओं के विरुद्ध अगर षड्यंत्र फैलाने की राजनीति करता है उसकी पार्टी में आस्था नहीं है। मुकेश नायक का चरित्र कई बार दल बदलने का है और वो दल बदलते रहते हैं हमेशा अवसर के रूप में। उनकी राजनीति हमेशा अवसरवादी रही है और इसी प्रकार चूँकि आज सत्ता संघर्ष देश में कांग्रेस पार्टी बाहर है राजनीति सरकार के, तो उनको संघर्ष करना चाहिए। मुकेश नायक इतने बड़े नेता हैं, अच्छे प्रवक्ता हैं, तो उनको जाके उत्तर प्रदेश जैसी कांग्रेस जहाँ कमजोर है वहाँ जाके अपनी ताकत दिखाएं। सर मतलब आप ताकत न दिखाकर कांग्रेस को कमजोर करने का काम है जी, इसकी कोई प्रशंसा नहीं की जा सकती। मतलब आप मानते हैं मौसम वैज्ञानिक की तरह, पासवान जी की तरह वो है, कभी इधर कभी उधर जा सकता है। आपको नहीं दिख रहा क्या हो रहा है? जब आज कांग्रेस पार्टी इस समय विपरीत परिस्थितियों में जूझ रही है, उस समय अगर कांग्रेस पार्टी का नेता इस प्रकार की बात करता है तो क्या कहा जाएगा? वो कांग्रेस के प्रति जिस पत्थर में खा रहे उसकी वफादारी है क्या?